सरकार ऐसा चल सकती है? देश की रक्षा कौन करेगा? ये लोग करेंगे। आप मानते हैं एक गठबंधन वाले देश की रक्षा कर सकते हैं क्या? अरे मित्रों, अभी अभी पुलवामा में हमला हो गया। 10 साल तक पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये मायावती और अखिलेश का समर्थन था। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और आतंक फैलाते थे, कोई जवाब दिया नहीं था। आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर लेते थे, कोई जवाब दिया नहीं था। इस बार आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी हमले के 13वें दिन ही 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनके 13वें के दिन ही मोदी जी ने वायुसेना को हुक्म दिया अपने गृहबापुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बमबारी कर उनके पुर्जे पुर्जे उड़ाकर वापिस आ गए। पूरे देश भर के अंदर खुशी का माहौल हो, फटाके जलने लगे, हार फैलाने लगे, शहीदों के मानचित्रों पर मिठाइयां बटने लगी। दो जगह ही मातम था, दो जगह छाटियां पीटते थे। एक तो पाकिस्तान में मातम था, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि उनके यहां तो करारा हमला हुआ था, और दूसरा ये बुआ भतीजा और राहुल बाबा के यहां मातम था, ये छाटियां पीटने लगे। छाटियां अभी अभी ये अखिलेश बाबू इसका साक्ष्य मांगते हैं। मायावती जी कहती है क्यों बम गिराए? ये राहुल बाबा के गुरु सैम पिटोड़ा कहते हैं बम मत गिराइए, बातचीत करिए, बातचीत करिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी को आतंकवादियों से इनू इनू करना है तो करो भाई, ये हमारा काम नहीं। हमारा तो स्पष्ट है, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से खोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मित्रों मुझे बताओ, ये गठबंधन जो बना है जिसका कोई नीति नहीं है, नेता नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है क्या? एक गठबंधन बना है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है क्या? दे सकता है? आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, और कोई नहीं। अभी अभी चुनाव चल रहा है कश्मीर के अंदर, ये राहुल बाबा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट किया, क्या स्टेटमेंट किया? कि पाकिस्तान के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे बताओ बधाई वालों, एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? जोर से बोलो, हो सकते हैं क्या? होना चाहिए क्या? मैं 8 दिन से राहुल गांधी को कहता हूं, अखिलेश को कहता हूं, मायावती को कहता हूं, आप स्पष्टता करिए, कश्मीर का दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं? कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको तो उनकी वोट बैंक की पड़ी है, वोट बैंक। मगर मैं बता देता हूं बहन जी, मैं बता देता हूं बहन जी के भतीजे को भी और राहुल बाबा को भी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी के तन में जान है, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कोई नहीं कर सकता। कश्मीर हमारा है, हमारा ही। मित्रों, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, ये लोग देश का भला नहीं कर सकते, देश को आगे नहीं बढ़ा।
अभी अभी चुनाव आया है, बहन जी कहती है गरीबों के लिए बसपा काम करेगी। मायावती जी को मैं पूछना चाहता हूँ, ये 150-150 किलोमीटर से बड़े बड़े धन पशुओं को जो टिकट दिया है वो गरीब और दलितों के भले के लिए दिया है क्या? भले के लिए दिया है भाई? आपको भी मालूम होगा कैसे टिकट दिया जाता है, जरा बोलो भाई कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? ये क्या गरीबों का भला करेंगे? 55 साल तक शासन करने वाले राहुल बाबा, आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये यूपी की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 साल में देश में 7 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 2.35 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया और माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार यूपी में हमारी सरकार बनी, योगी जी की सरकार ने यहाँ सपा का बसपा का गुंडारा चलता था, चलता था या नहीं चलता था? जरा जोर से बोलो, चलता था या नहीं चलता था? पश्चिम यूपी से पलायन करना पड़ता था या नहीं करना पड़ता था? आज पलायन कराने वाले पलायन कर गए हैं, उनको को उल्टा रट्टा कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जमाना था गुंडों से पुलिस करती थी, आज गुंडे आज माफिया गले में कॉर्ड लटका कर घूमते हैं, हमें गिरफ्तार कर दो, हमारा एनकाउंटर न करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें कानून का राज है। भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार इस सपा बसपा कांग्रेस की सरकार ने किया, मगर हमने एक ऐसा राज चलाया जिसमें देश के अंदर विकास का काम किया। बदायूं के अंदर 94,400 गरीब आवास बनाए हैं, 75,000 लोगों का बीमा उतारा है, 80,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोले हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा 75,000 लोगों को मिला है, 2 लाख महिलाओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है और 55,000 सॉइल हेल्थ कार्ड से बताई हुए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते। मित्रों, हम हमारा घोषणा पत्र लेकर आए, घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा है अगर दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनती है तो देश भर के किसानों को 0% सूद पर लोन दिया जाएगा, सबको सूद मुक्त लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 60 साल के ऊपर सारे किसानों को पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। 6,000 रुपया जो किसानों के मोबाइल पर आता है वो अब सिर्फ छोटे किसानों को नहीं मिलेगा, सब किसानों को, छोटे मध्य बड़े सब किसानों को 6,000 रुपए की सहायता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की हमने स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले हैं, व्यापारियों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की योजना लाए हैं, छोटे व्यापारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात है 2022 तक हर एक गरीब को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। और घर में बिजली पहुंचाने का काम
हर घर में शौचालय बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी करता है। तो गरीबों को कम दर से चीनी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और दूसरा काम इस घूस के पेटियों को देश से निकालने का काम भी करने का है। मुझे बताओ बदायूं वालों, ये देश में से घूस के पेटियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? कैसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो भाई, भले धूप है, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी देश से घूस के पेटियों को निकालना चाहती। सपा बसपा कांग्रेस कहते हैं उनको मत निकालो, ये उनकी गवर्नमेंट है। मैं बदायूं वालों को गारंटी देकर जाता हूं, मित्रों आप हमारी बहन संगीता को छुटा दीजिए, पूरे देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर विकास को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और एक गठबंधन है, ये गठबंधन कैसा है, इनकी एक पैटर्न है, जेएनयू के अंदर नारे लगे भारत के लिए टुकड़े होंगे 1000 तो उनके साथ खड़े, और देशद्रोह का मामला हुआ तो कांग्रेस पार्टी कहते हैं देशद्रोह की कलम ही हम निकाला। मित्रों देशद्रोह की दफा निकालनी चाहिए, निकालनी चाहिए। जो कहेंगे भारत के लिए टुकड़े होंगे 1000 उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जो चुनाव डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये कहते हैं अब सफा निकाल देंगे, जो सेना के संरक्षण के लिए बनाया है इस देश में अब सफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया, जरा जोर ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख करोड़ कितना, जोर से बोलो कितना, 10 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मोदी के शासन के अंदर चाहे बिजली हो, चाहे किसानों के गेहूं खरीदना हो, चाहे किसानों का धान खरीदना हो, चाहे किसानों का ऋण माफ करना हो, बिजली की आपूर्ति बढ़ानी हो, गांव में बिजली पहुंचानी हो, घर घर बिजली पहुंचानी हो, हर चीज को योगी सरकार ने ढंग से किया। तो मैं आप लोगों को एक करना बदल मैंने कहा कि भाई गठबंधन भले हो, ये बुआ भतीजा भले नरेंद्र मोदी जी के डर से इकट्ठा हो, भारतीय जनता पार्टी की 73 से 74 सीट होने वाली है। कितनी होने वाली है, जोर से बोलो कितनी होने वाली है? तो एक कौन सी बनेगी बताओ,